हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ अपना डेली रूटीन शेयर करूंगी और मैं शेयर करूंगी कि आज हमने क्या क्या शॉपिंग करी। कपड़ों में, ज्वेलरी में, जो भी हमने शॉपिंग करी है मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे देख लेते हैं हमने क्या क्या शॉपिंग करी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे घर में सबकी सुबह पहले ही हो चुकी है। मेरी सुबह हुई है, अब बज रहे हैं 9:30, तो अब मेरी सुबह हुई है। उठने के बाद मैं वॉशरूम वगैरह गई, फ्री हुई, ब्रश वगैरह करने के बाद मैंने नहा लिया। नहाने के बाद अब चलिए थोड़ा सा कंघी वगैरह कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं कर रही हूँ कंघी। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है कि कुछ करने का मन ही नहीं करता, लेकिन क्या है कि अपनी पर्सनल हाइजीनिंग तो रखनी ही पड़ती है, अपने आप को हाइजीन तो रखना ही पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने थोड़ा सा टेंगल्स वगैरह हो गए थे बालों में, वो मैंने सुलझाए। उसके बाद थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगाया। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है इस टाइम पर। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद फिर अब मैं लगा रही हूँ थोड़ी सी सनस्क्रीन, क्योंकि धूप भी होती है, धूप में बैठते हैं तो थोड़ा सा वो इफेक्ट करती है स्किन को, इस वजह से सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा कुछ नहीं लगाऊंगी, बस अभी फिलहाल मैंने इतना ही लगाया है। जब मैं कहीं जाती हूँ तो मेरा इस तरह का एक देखिए पाउच है, मैं इसमें अपना सारा सामान रखती हूँ। जो सामान ज़्यादा यूज़ होता है उसे मैं नीचे वाले में रखती हूँ और बाकी को मैं ऊपर नेट वाले में रखती हूँ। और ये देखिए मैंने अभी अभी मैंने सिंदूर खरीदा है। मेरा पुराना वाला जो है वो ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मैंने नया खरीद लिया। ये देखिए बहुत ही अच्छा सिंदूर है, ये काफ़ी दिन तक चल भी जाता है। तो यहाँ पर सिंदूर भी लगा लिया है मैंने, और ये मेरा पुराना वाला है, इसको मैं हटा दूंगी। और चलिए थोड़ी सी फिलअप कर लेती हूँ अपने आईब्रोज़ को। आईब्रोज़ फिलअप करने के बाद हमारा जो लुक होता है वो बहुत ज़्यादा निखर कर आ जाता है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। आईब्रोज़ फिलअप हो चुकी हैं, मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, हल्का हल्का ही करूँगी। और यहाँ पर देखिए डन हो गया है। अब मैं लगा रही हूँ थोड़ी सी लिपस्टिक, जिससे कि जो हमारे लिप्स होते हैं वो मॉइस्चराइज रहें। और यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ रेडी, मैंने अपना बैग भी रख दिया है। और देखिए मैंने कितना लाइट मेकअप करा है, कुछ भी ज़्यादा नहीं करा है, ओवर नहीं लग रहा है। फिर मैंने ब्रेकफास्ट करा, जिसमें मैंने ली मूसली, जिसमें ओट्स और कई सारे ग्रेन्स मिक्स हैं। फिर हम छत पे आए, देखा हमने धूप ही नहीं निकली, तो मम्मी ने यहाँ पर आग जला ली, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो मैंने भी थोड़े से हाथ सेके, कभी कभी तो काफ़ी अच्छी धूप निकल जाती है और कभी कभी तो 12-1 बजे तक धूप ही नहीं निकलती, फिर निकलती है तो 1-2 घंटे के लिए। हम लोग हाथ सेक ही रहे थे तभी हमारा प्लान बन गया कि कहीं घूमने चलते हैं। फिर हम नीचे आए और मैंने सूट डाला, उसके बाद हम निकल गए घूमने के लिए। थोड़ा बहुत घूमने के बाद हमने सोचा क्यों ना थोड़ी शॉपिंग की जाए। फिर हम चले गए ज्वेलर, हमारे साथ कोई और भी आया था जिसे नथ देखनी थी, इसी वजह से हम चले गए नथ देखने के लिए। और वहां पर जाके हमें बहुत ही अट्रैक्टिव सी चीजें दिखी। पहले हमने नथ देखी, जिसके बहुत ही प्यारे प्यारे डिजाइन थे, बहुत ही अच्छे अच्छे डिजाइन थे नथ के। फिर मैंने सोचा हम भी आए हैं तो कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं। अब मैं घर आ गई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या लिया है। मैंने लिए हैं गोल्ड के ये इयररिंग्स, जो कि डेली यूज के लिए लिए हैं मैंने, छोटे छोटे से, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये मुझे 11,000 के पड़े हैं, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर चांदी का भी कुछ लिया है, ये देखिए मैंने लिए हैं मीना। हमारे यहाँ पर तो इन्हें मीना बोला जाता है, आप लोग बिछुआ बोलते हैं, मीना बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं मुझे जरूर बताएं। और ये देखिए इनका भी कितना प्यारा डिजाइन है। आपको किसका डिजाइन ज्यादा अच्छा लगा, मीने का या फिर इयररिंग का, मुझे कमेंट करके बताना। तो यहाँ पर मुझे तो दोनों का डिजाइन बहुत ही प्यारा लगा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ आगे मैंने क्या लिया है। फिर हम गए थे कपड़े की दुकान पर, जहाँ पर हमने लिया ये बहुत ही प्यारा सा सूट। ये सेमी स्टिच है, जिसे कि मुझे स्टिच करवाना पड़ेगा, तो यहाँ पर मुझे इसका कलर बहुत ही प्यारा लगा। फिर हमने ली कुछ साड़ियाँ, ये देखिए मुझे ये वाली साड़ी कुछ ज़्यादा अच्छी लगी, और भी ली हैं हमने, लेकिन मेरे को ये वाली ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैं आपको और दिखा देती हूँ। ये वाली साड़ियाँ ली हैं मम्मी ने, तो यहाँ पर देखिए इसमें धागे की कढ़ाई है और ये भी अच्छी लग रही है। इसमें 2-3 कलर है, 2-3 शेड है, अंदर से आपको दिख रहा होगा। और ये वाली है, इसमें 2 साड़ियां हैं, एक तो है थोड़ी ब्राइट कलर की है, एक ही पन्नी में यहाँ पर 2 साड़ियां हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस वाली का कलर जो है जो थोड़ा सा ब्राइट है, लेकिन पहनने पर काफी अच्छा लगेगा। अभी ये तय लगी हुई है, इसी वजह से ये ज्यादा ब्राइट लग रही है। और ये देखिए दूसरी साड़ी इसमें पर्पल कलर की है, आपको मैं दूसरी साइड से दिखा देती हूँ। दोनों ही साड़ियां बहुत अच्छी हैं। आपको इन सारी साड़ी और सूट में से क्या सबसे अच्छा लगा कमेंट जरूर करना। फिर शाम के नाश्ते में मम्मी ने बनाई ये कचौरियाँ, जो कि आलू की और चावल के आटे की हैं, बहुत ही टेस्टी लग रही थी ये खाने में, बहुत ही क्रिस्पी भी थी। हमने बाहर भी खाया था, इसी वजह से मेरा ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं था। मम्मी ने बाद में और भी कुछ बनाया था, चावल या पता नहीं रात में क्या बनाया, मैंने तो नहीं खाया, लेकिन मैंने ये खाया था पेट भर के, इसमें ही मेरा पेट भर गया, तो मैंने रात को डिनर नहीं करा। तो आप देख सकते हैं मम्मी ने कचौरियों को किस तरह से बनाया है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी थी ये। मेरा तो मन कर रहा था और खा लूं, लेकिन जो पेट में थी जगह नहीं थी। तो यहाँ पर हमारी टेस्टी सी आलू की और चावल के आटे की कचौरी बनकर बिल्कुल रेडी है। तो फिलहाल मैंने आज पूरे दिन में यही करा है। यहाँ पर मम्मी ने बनाई थी मोमो की चटनी, जो कि घर पर ही बनाई थी। मम्मी तो बहुत ही जल्दी सब कुछ बनाकर तैयार कर देती हैं, मुझे तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मम्मी जल्दी बना देती हैं।
आज का मेरा यही रूटीन है, पूरे दिन में मैंने यही सब करा। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।